हाल ही में रेखा इंडियन आइडल का हिस्सा बनी और ऐसे में अब सोना महापात्रा ने रेखा पर कटाक्ष किया है और साथ में अनु मलिक को लेकर एक बड़ी बात लिखी है। क्या कहना है सोना महापात्रा का, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। अक्सर जो है सोना महापात्रा ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर बातें करती हैं बल्कि कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखती हैं। हाल ही में उनको सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां भी आई थी जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन रेखा का इंडियन आइडल में जाना और अनु मलिक का अभी भी इंडियन आइडल के साथ जो एसोसिएशन है इसको लेकर जो है सोना महापात्रा अनु मलिक को लेकर पहले भी बोल चुकी हैं। अब उन्होंने रेखा के जाने पर निराशा व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि हैप्पी टू सी रेखा अ फाइन आर्टिस्ट एंड स्पार्कलिंग वुमन गिविंग अ बूस्ट टू अ सैड म्यूजिक रियलिटी शो ऑन सोशल मीडिया। मतलब रेखा जैसी एक अच्छी कलाकार और शानदार महिला एक ऐसे दुखद संगीत रियलिटी शो को बूस्ट कर रही हैं, ये मैंने देखा। मैं निराशाजनक क्यों कह रही हूँ इस शो को, क्योंकि आप एक ऐसे शो को क्या कहेंगे जो एक मशहूर सीरियल जो लोगों का अगर मैं कहूँ कि यौन शोषण करता है वो अभी भी इनके पे रोल पर है और अनु मलिक कभी भी एक हैशटैग के लायक भी नहीं और इंडिया, इस तरीके से उन्होंने अपने हैंडल पर सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात को लेकर निराशा व्यक्त की है कि रेखा जी उस शो में गई, एक ऐसे शो में जिसके जज अनु मलिक जैसे हैं जिन पर मीटू के दौरान जो है इल्ज़ाम भी लगे थे। तो सोशल मीडिया पर सोना महापात्रा का ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है और गायिका ने फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तो कई लोगों का कहना है कि जो सोना का कहना है वो सही है, एक ऐसे शो जिनके जज पर कई इल्ज़ाम लगे हो उस शो में रेखा का जाना नहीं बनता था। तो कई यूजर्स जो है इस पूरे मामले में इस पूरे मुद्दे पर सोना का साथ दे रहे हैं।